पटना के पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत शराब की एक बड़ी खेप बरामद की गई है, जिसमें से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार युवकों का नाम किशोरी साहब एवं मांझी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने LCT घाट पर छापेमारी की, जिसमें काफ़ी मात्रा में शराब और देसी शराब बरामद की गई और दो लोगों को मौके पर से गिरफ्तार किया गया। वहीं DSP लॉ एंड ऑर्डर राकेश कुमार ने कहा कि पटना की कुर्जी स्थित LCT घाट पर पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा शराब बेची जा रही है। उस सूचना के आलोक में पाटलिपुत्र थाना के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें मौके पर से दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम एक किशोरी साहब और एक मांझी बताया जा रहा है, जिनके पास से 26 लीटर अंग्रेजी शराब और किशोरी साहब के घर से करीब 4 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। मौके से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। LCT घाट में कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। उसी सूचना के आलोक में पाटलिपुत्र थाना के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें दो व्यक्ति, एक किशोरी साहब और एक मांझी, दोनों के घर से तकरीबन 20.6 लीटर जो है अंग्रेजी शराब किशोरी साहब के घर से और तकरीबन 4 लीटर देसी शराब मांझी के घर से बरामद हुआ है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है, लगातार कार्रवाई की जा रही है।